हेलो एवरीवन वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम माय नेम इज़ आरुषि सो आपके सीएसआईआर नेट के एग्जाम के लिए एक मंथ लेफ्ट है ठीक है ऑलमोस्ट वन मंथ हम कंसीडर कर सकते हैं ठीक uh, है आज फर्स्ट ऑफ जुलाई है सो ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सेवन जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा सो इट इज़ जस्ट लेस देन वन मंथ लेफ्ट फॉर योर एग्जाम सो आपने इस ट्वेंटी डेज को ऑलमोस्ट अगर हम मान के चलें क्योंकि लास्ट वाला वन वीक तो आपका वैसे रहता है कि आपने क्या करना है प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन uh, की सो so ये ट्वेंटी डेज में अगर आ, मैं आपको बोलूँ कि आपने कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप रिवाइज कर लीजिए इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से देखे जाएंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और ये आप मान के चलिए इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे सो so ये लास्ट ट्वेंटी डेज में ये टॉपिक

आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो आपका स्ट्रक्चर uh, की अगर मैं बात करूँ ठीक है जो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन्स का रामाचंद्रन प्लॉट भी वहाँ पे उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो ये है एंजाइम काइनेटिक्स ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आए एंड देर आर हाई चांसेस इस बार आपको क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेंगे सो ये कुछ टॉपिक्स आपने इसके बिल्कुल भी नहीं करने हैं बायो ठीक है ये टॉपिक्स आपने श्योरिटी के साथ पढ़ के जाने हैं और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर करके जाने हैं ताकि यहां से कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आता है उसको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए एंड सॉल्व कर पाए राइट सो so, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट सेल साइकिल वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं सी हो गए साइक्लिन हो गए चेक पॉइंट्स हो गए बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में तो वो आपको स्किप नहीं करनी है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो राइट नेक्स्ट सेंट्रल डॉगमा रेप्लीकेशन हो गया ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये ऐसी प्रोसेस हैं जिससे श्योरिटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा सो so आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए एंड आपके स्कोर जो है वो आपका हाई हो जाएगा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स हो गए आपके उसके बाद जीपीसीआर सेल सिग्नलिंग से है ये आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर रिसेप्टर टाइरोसिन कैंसर ठीक है तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि श्योरिटी के साथ इनमें से क्वेश्चन देखे ही देखे जाएंगे आपके अपकमिंग एग्जाम से या आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी से हम बात करें मेमेलियन डेवलपमेंट ड्रोसोफिला का कॉन्सेप्ट वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है सी एलिगेंस में वल्वा फॉर्मेशन हो गया उसके बाद सी अर्चिन का कॉन्सेप्ट हो गया ठीक है स्टेम सेल से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है सो so ये आपको देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों बताए जाते हैं ताकि ये ऐसे टॉपिक्स आप स्किप ना करें क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक स्किप कर दिए सो तो आपको वहाँ पर इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को तो मिलेंगे लेकिन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे क्यों नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने ये टॉपिक स्किप कर दिए हैं है ना सो तो आपको सबसे बेस्ट वे क्या है आपको स्मार्टली ये टॉपिक स्किप नहीं करने हैं अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए ना तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिलेंगे सो तो आप बहुत ही अच्छे से अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी से अगर हम देखें सी थ्री सी फोर क्या है प्लांट हॉर्मोन्स ए बी सी मॉडल ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो कि मतलब आप श्योरिटी के साथ ले लो किन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा पार्ट बी में भी पार्ट सी में भी ठीक है तो मेजोरिटी ऑफ द ये ऐसे टॉपिक्स है पूरे सिलेबस को इतना वा सिलेबस है पूरे को गो थ्रू करना पूरे को एक कंप्लीट करना दैट इज नॉट आई विल से दैट इज़ नॉट पॉसिबल और बहुत ही डिफ़िकल्ट है राइट सो कुछ टॉपिक्स पिक कर लो ना जो आपको श्योरिटी के साथ है कि हाँ यार यहाँ से तो आएगा ही आएगा ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनसे क्वेश्चन देखा ही जाएगा अगर आप वो टॉपिक कर लेते हो तो दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ी है वही आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है ठीक है तो ये टॉपिक्स दैट्स वाई आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप ज़रूर पढ़ के जाए क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर और जरूर देखा जाएगा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम नर्वस सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी जैसे हॉर्मोन्स के ऊपर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं उसके बाद जेनेटिक्स से अगर हम बात करें जीन मैपिंग हो गया पेडिग्री एनालिसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस म्यूटेशन कितने टाइप की होती है कौन कौन सी होती है किसमें क्या डिफेक्ट आता है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं एंड साथ ही साथ अब टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो एक चीज़ तो हो गई ठीक है ये टॉपिक्स पढ़ने हैं साथ ही साथ इनके क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस करिए Questions को प्रैक्टिस करिए क्योंकि देखो अगर आपने सपोज करो आप पे डिग्री पढ़ रहे हो पढ़ लिया आपने कि हाँ ये चीजें होती हैं लेकिन क्वेश्चंस भी तो आपसे सॉल्व होना चाहिए ना तो आपको ये भी देखना है कि नेट में इस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो कहाँ से आप देख सकते हो वो आप देख सकते हो पी वाई क्यू से सो आई होप एक बार तो पी वाई क्यू सब ने सॉल्व कर लिए होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ऑलमोस्ट अभी होने वाला था है ना कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसने पी वाई क्यू नहीं सॉल्व किए हैं क्योंकि जब आप देने जा रहे हो एग्ज़ाम मेंटली प्रिपेयर तो आपने ये चीज़ें जो है ये एक मंथ पहले ही सारी डन कर ली होंगी लेकिन ये एक्स्ट्रा वन मंथ जो आपके लिए मिला है इसमें एक बार इन कॉन्सेप्ट को आप गो थ्रू करिए कहाँ से गो थ्रू करना है फ्रॉम शॉर्ट नोट्स फ्राम शॉर्ट नोट्स ताकि आपका टाइम भी बचे और कम टाइम में आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हों एंड आफ्टर शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इन सभी टॉपिक्स की एटलीस्ट इनको तो स्किप मत करो ठीक है इनको स्किप मत करके जाओ अगर कोई ऐसा टॉपिक है भी जो कि आपने स्किप कर रखा है या कोई ऐसा है जो कि आपने यू नो लीव करके रखा है न्यू वर्थ स्टार्ट करो लेकिन इन टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू जरूर करना कि इनमें से कोई स्किप ना हो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नीश कॉन्सेप्ट जो आपका फंडामेंटल नीश है रियलाइज नीश है क्या डिफरेंस होता है पॉपुलेशन इकोलॉजी कम्युनिटी इकोलॉजी यहाँ से क्वेश्चंस आपके देखे गए हैं एनिमल बिहेवियर ठीक है एवोल्यूशन से एनिमल बिहेवियर हो गया मेटिंग सिस्टम स्पीशिएशन तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एंड अगर मैं लास्ट टू यूनिट्स की कंबाइन बात करूँ ट्वेल्व एंड थर्टींथ यूनिट की ट्रांसजेनिक्स स्टेटिस्टिक्स ठीक है माइक्रोस्कोपी होगी आपकी उसके बाद आपके फ्लोरोसेंस ठीक है उसके बाद एन एम स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं ये ठीक है तो ये टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं इन टॉपिक्स को स्किप मत करो ये टॉपिक्स आप एक बार शॉर्ट नोट से भी गो थ्रू करके और साथ में अप्रोच क्या होनी चाहिए टॉपिक आपने सपोज़ करिए एक टॉपिक जीन मैपिंग है मैपिंग आपने पढ़ लिया रिवाइज कर लिया उसके बाद मैपिंग के क्वेश्चंस करो ठीक है ताकि पता लगे कि हाँ ये टॉपिक हमने किया उसके बाद हमें अप्लाई करना भी आ गया क्योंकि थ्योरी आपका एग्ज़ाम नहीं पूछेगा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही आएंगे एम ही आएंगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तभी आप वो सेम कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में लगा सकते हैं एंड आप क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं करेक्टली राइट सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि आपको स्किप नहीं करने हैं दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट है किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड फॉर फ्री कॉन्टेंट आप इस टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड फॉर फ्यूचर अपडेट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आती है इन फ्यूचर वो आपको मिल जाए सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन थैंक यू सो मच